दोस्तों नमस्कार, साधुवाद, अभिनंदन, वंदन। दोस्तों मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा पानी के बारे में कि हमें पानी कैसे पीनी चाहिए। आपको पता है कि पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेय है, इसके बिना हम नहीं जी सकते। तो आज के डेट में पानी हम कैसे पिए, किस टाइप की पानी पीनी चाहिए, कौन सी पानी नहीं पीनी चाहिए, तो चलिए हम इस पे फोकस करते हैं और चलिए इसको हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पानी ज़्यादा पैक पानी पीने का प्रयास ना करें। अगर ज़्यादा पैक पानी पीते हैं तो समझिए ये आपके लिए हानिकारक है, वो एसिडिक होता है और आपको बॉडी को भी मिनरल्स नहीं देगा और बॉडी कमज़ोर होगी, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े शहर में रहते हैं तो वो पानी को फिल्टर कर रहे हैं, अपने घर में आरओ लगाए हुए हैं तो वो लगाइए। उसकी भी टीडीएस की माप होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा लो टीडीएस की पानी नहीं पीनी चाहिए। अब जिसकी टीडीएस 100 के अंदर है तो वो पानी आपके लिए बेनिफिट नहीं हो सकता है। 300 टीडीएस तक पानी पीना बेटर होता है। तो इस टाइप से ध्यान रखेंगे टीडीएस का कि आपके पानी में कितना मिनरल्स, मिनरल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि जिन प्रदेशों में पानी बहुत ही ज़्यादा उसमें टीडीएस है, हाई टीडीएस है, तो वैसा पानी भी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर वो पानी पियेंगे तो आपकी किडनी भी ख़राब होगी, बहुत जल्दी होती है। आप देखिए बहुत ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा टीडीएस है तो वहाँ किडनी की बीमारी ज़्यादा नज़र आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन भी है उनके पानी में। तो इससे बचना होगा, हमें क्या करना होगा, कहीं भी आप रहें। सबसे पहले अगर बरसात की मौसम नहीं है तो और सभी मौसम में ये आप मिट्टी के बर्तन का यूज कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में सबसे पहले पानी को आप गर्म कर लें, जितना पानी आप यूज करते हैं। गर्म करने के बाद उस पानी को फिल्टर कर लें, छान लें और मिट्टी के बर्तन में रख लें। मिट्टी में बर्तन में रखने के बाद उसमें आप पुदीने की कुछ पत्तियां डाल लें, कुछ तुलसी की पत्तियां डाल लें। इससे पानी आपका अल्कलाइन रहेगा और बहुत बढ़िया साबित होता है पीने में, क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ ये पानी पीने में अच्छा फील होता है। तो दोस्तों इस टाइप से आप पानी रख के पियेंगे। अब दूसरा है कि पानी को हम कैसे, किस किस अवस्था पे, किस टाइम में कैसे पानी पीना चाहिए। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद जो आप पानी पीते हैं तो वो गुनगुना पानी थोड़ा सा पिए, लेकिन अपने इच्छा अनुसार। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे कि आपको 8 गिलास पीनी है तो पीनी है, नहीं। ऐसे तो कहा जाता है कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पीना चाहिए, 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए, ऊंचा पान करना चाहिए जो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है, आपके पेटों को सफाई कर देती है। लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनकी शिकायत होती है, सर हम इतना पानी पी नहीं जाती है, मुझे लगता है वोमिटिंग हो जाएगा। कितने लोगों को वोमिटिंग हो जाती है, तो उनको कोई ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती पानी पीने का। बॉडी अगर वोमिटिंग कर रही है तो आप ये मान लें कि वो नहीं चाहती है कि पानी पियो। तो जितना आपको इच्छा है वो पानी पिए। और पानी जब पियेंगे तो उसमें एक बात का ध्यान रखेंगे कि पानी पीने के बाद अपने रीढ़ को सीधा होकर के बैठे, ताकि आपकी पानी पूरी तरह से प्रेशर बनाएगी और आपको खुल करके बाथरूम भी आएगी, खुल करके आपका पेशाब भी आएगी, खुल करके आपका लैट्रिन भी आएगी। तो पानी पी करके सीधा रीढ़ सीधा करके पालथी मार के बैठना होगा, पहला नंबर। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि पानी को हमेशा रूम टेम्परेचर पर पीने का ही प्रयास करेंगे। दोस्तों आजकल क्या ज़माना आ गया है, सब जगह फ्रीज हो गई है, तो अगर हम ठंडा पानी पीते हैं बिना मतलब का तो उससे खून की कमी भी होती है, मैं देखा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब ठंडा पानी पियेंगे तो बॉडी अपने टेम्परेचर पे लाने के लिए उस पानी को टेम्परेचर पे, यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर पे लाने के लिए हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए अलग से खून लगती है, ब्लड लगती है, तो आपकी हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, ऐसे खून की कमी होती है। तो ज़्यादा ठंड पानी आप ना पिए बिना मतलब का। ठंड पानी कब पी सकते हैं, जब आपकी बेहोशी की हालत है, जब आपको बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी लग रही है, उस समय आप ठंड पानी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं से भी आते हैं तो थोड़ा सा आराम करें तो पानी पिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको
इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा। हम गलती क्या करते हैं, हमेशा आते जल्दीबाजी में पानी पी लेते हैं, वैसा ना पिए। और कभी भी खड़ा होकर पानी ना पिए, खड़ा होकर पानी पिएंगे डायरेक्ट पानी घुटने में जाती है, धीरे धीरे वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं और घुटने की प्रॉब्लम आती है, घुटने में दर्द वगैरह खड़े होकर पानी पीने से बढ़ जाती है। हमारा आयुर्वेद नहीं कहता कि आप खड़ा होकर पानी पिए। अब कभी भी बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगी है, पानी पीनी है, और अभी कुछ आपको मिला है खाने के लिए, कुछ भी थोड़ी सी चीज़ आप खा लें, इसके बाद अगर पानी पीते हैं तो वो पानी आपके लिए बेनिफिट है। ज़्यादा प्रयास करें इस टाइप से मिले तो आप पानी कुछ खा करके ही पिए। अब मैं एक पॉइंट पे आता हूँ, वो पॉइंट क्या है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं और आके पानी पीते हैं, घटाघट घटाघट पानी पी लेते हैं। ये उनके लिए गलत साबित होगी, क्योंकि जब आप पेशाब करके पानी आके पीते हैं तो टॉक्सिक ज़्यादा जमा होती है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ी सी आपको सहूलियत बरतनी होगी कि जब आपको पेशाब लगी हुई है और प्यास भी लगी हुई है, वैसा स्थिति में पानी पहले पिए तो पेशाब करें। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। अगर इस टाइप से आप करेंगे तो निश्चित बहुत ही बेनिफिट चीज़ है, ये चीज़ हम गौर नहीं करते हैं। तो एक गलती ना करें कि पेशाब से आए और पानी पिए। अगर आपको पेशाब लगी हुई है और प्यास भी लगी हुई है तो पानी पी करके अगर पेशाब करते हैं तो आपकी किडनी फिल्टर होती है दोस्तों, इस पर ज़रूर ध्यान दें। जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको पेशाब रुक रही है, कम आ रही है, तो वो जब भी पेशाब लगे तो पानी भरदम पी करके जाए पेशाब करने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया साबित होगी किडनी पेशेंट के लिए भी, जो किडनी के पेशेंट बन रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रही है, जिनकी पेशाब रुक रुक के आ रही है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जिनको खुल के पेशाब नहीं आती है उनको ज़्यादा कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन भर में गुनगुना पानी सिप सिप करके 6 से 7 गिलास पानी पीजिए, आपको पेशाब खुल के आएगी, जितनी कचरा वगैरह जमा रहेगा आपकी किडनी में वो बाहर निकल जाएगी और आपकी किडनी की फिल्टर भी हो जाएगी। अब उन लोगों के लिए भी पानी पीने का एक विशेषता है कि जो लोग मोटापा से ग्रसित हैं, जो लोग बहुत मोटे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने बॉडी के अनुसार सिप 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 करके अगर पानी पीते हैं गुनगुना पानी, तो उनकी फैट तेज़ी से घटेगी और बहुत बढ़िया साबित होगी। देखिए क्यों घटती है, पानी में एक ताकत है कोई चीज़ को कटिंग करना। अगर आप पानी अगर बहाव होती तो देखते हैं कि पहाड़ के जो पत्थर उनको भी कट कर देती है, तो बहाव की पानी कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों आपके अंदर जो फैट चर्बी जमी हुई है, अगर बॉर्न पानी इस टाइप से पीते हैं तो फैट कट कट के वो निकल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग नींबू डाल के, नींबू और थोड़ा सा वो शहद डाल के भी गुनगुना पानी पीते हैं, तो पीना चाहिए वो पिए। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप केवल बॉर्न पानी इस टाइप से पिएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। अब हम आते हैं कि पानी को हमें कितनी पीने चाहिए। दोस्तों पानी जितना आपको प्यास लगे उससे ज़्यादा पानी आपको पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कोई कहता है कि बहुत खूब पानी को खूब पानी पियो, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो उससे क्या होगा कि अग्नि तत्व आपकी कम हो जाएगी और भोजन पचने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसमें बिना मतलब का पानी ना पिए। और दूसरी चीज़ है कि पानी को आप कम भी ना पिए। अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी ज़रूर पिए। ऐसे बहुत लोग हैं कि पानी भी कम पीते हैं, उससे क्या होगा आपकी किडनी में प्रॉब्लम आने लगेगी, बहुत सारे ऑर्गन डिहाइड्रेशन होने लगेगा। तो दोस्तों पानी जितना मन करे ज़रूर पीना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पानी को कैसे रखेंगे, पानी को घैले में रखे। आज तो गर्मी का सीज़न हो गया तो घैले में पानी रखेंगे और उस पानी में आप तुलसी और पुदीने के पत्ते का प्रयोग करें, ताकि पानी आपका एल्कलाइन बनी रहेगी और पीने में बहुत ही बेनिफिट है। एक तरह से आप समझो कि दवा के काम करेगी वो। तो इस टाइप से पानी पिए। कभी कभी किन्हीं किन्हीं देखता हूँ कि पानी सही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो उसमें आप थोड़ी सी शुद्ध फिटकरी अगर 2 चुटकी डाल करके उस पानी का यूज करते हैं। और कहीं कहीं ये भी है कि पानी को और साफ करने के लिए कहे आपका पास शुद्ध चूना, अगर 1 चुटकी उसमें शुद्ध चूना डाल करके उस पानी का यूज करते हैं तो आपके लिए कैल्शियम का भी वो स्रोत बन जाएगा। खास करके उन लोग इस टाइप से पानी ना पिएगा जिनको स्टोन वगैरह बनते रहती है, तो वो ये प्रयोग को ना करेंगे। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्रयोग जो
बहुत ही जरूरी है आपको आपके लाइफ में, वो प्रयोग करेंगे तो निश्चित बहुत ही फायदा होगा पानी पे। देखिए रात में हम गलती एक और करते हैं कि गर्म पानी पीते हैं, जिनको बार बार पेशाब आने की दिक्कतें होती है, बार बार उनको उठना पड़ता है, तो वो गर्म पानी पी करके ना सोए। इस चीज़ पे जरूर ध्यान दें, अगर वो गर्म पानी पियेंगे तो उनकी पेशाब आने लगेगी और वो परेशान हो जाएंगे, तो ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। दोस्तों पानी पे तो ऐसे बहुत सारा नुकसान हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कुछ जो व्यवस्था था, जो सही चीज़ थी मैंने बताया, और दो तीन पॉइंट और मैं बता देता हूँ। जैसे जिनको गांठ होती है, शरीरों में गांठ बनती है, अक्सर बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे पानी में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो गांठ बन जाती है किन्हीं किन्हीं को, तो चर्बी जब डिपॉजिट होने लगता है तो वैसे स्थिति में पानी को पका करके पीना चाहिए। यानी एक होता है कच्चा पानी, एक पक्का पानी, तो हम पानी को क्या करेंगे, पका करके पीने, यानी पानी को पूरा उबाल लें और थोड़ी देर तक रख लें, इसके बाद छान के उस पानी को अगर आप पीते हैं तो जो गांठ जिनको बनती है उनको बहुत हेल्पफुल होगी इस पानी को। हाँ, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो भी पानी को पका करके और छान के रख करके पानी पियेंगे, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। और जो लोग गंभीर बीमारी से परेशान हैं, जिनकी पाचन बहुत कमजोर है, हमेशा उनकी पाचन खराब रहती है, तो वैसे भी आदमी को कच्चा पानी ना पिए, पक्का पानी पीने का प्रयास, यानी पानी को गर्म करके और छान के और रख लें, और वो पानी का अगर प्रयोग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को पानी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा, तो मैं फिर से अगले वीडियो में आऊँगा। और आप लोग के कुछ कुछ टॉपिक के आए हुए हैं कि सर कैंसर पे वीडियो बनाया जाए, कोई लोग स्नैक्स वाइट पे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है, तो बनाऊंगा दोस्त, सब चीज़ पे बनाऊंगा, सारा चीज़ नोटिस किया जा रहा है यहाँ पे, क्या क्या आप लोग भेज रहे हैं सब पे वीडियो बनेगा। कुछ लोग कैंसर की कमी, कैंसर से लोग कैसे बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर कैसे टूट जाती है, कीमो रेडिएशन, सब सारी चीज़ पे वीडियो बनेगी, हम कैसे उसे क्योर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ये सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, हमें उस समय अपने आप को किस टाइप से, मैंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिसीजन कैसे लेना चाहिए, क्योंकि किन्हीं को गंभीर जब बीमारी हो जाती है ना तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें मेडिकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इन सभी चीज़ों पे फोकस करूंगा, आप लोग केवल हमारे साथ बने रहें, मेरा सहयोग करें, क्योंकि आपके ही सहयोग से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और हम लोग अपने आयुर्वेद को बढ़ा सकते हैं, हम लोग अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमें जागरूक बने, हम लोग मिलकर रहें और एक दूसरे का भावना को समझें, ठेस पहुंचाने का कृपा ऐसा ना करें कि किसी की भावना को आप ठेस पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, सब मिलके हम एक परिवार हैं, आरोग्य तत्व एक परिवार रहेगी और एक इतिहास कायम करना होगा दोस्तों, हम लोग मिल करके एक इतिहास बनाएंगे। तो चलिए, बहुत ऐसे भाई बंधु हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नाम भी नोटिस किया जा रहा है, इसलिए जो जो इस अवस्था में जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से फोकस करें ताकि उनके नाम आगे आए। ऐसे बहुत लोग का नाम मैं नोट करके रखा हूँ कि कौन लोग मेरा कितना सपोर्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय राजेंद्र दीक्षित की जय हो।